Hello guys, welcome back. Myself Manoj Hari, and today we are going to discuss about SPDF. आज हम लोग SPDF के बारे में जानेंगे. Last lecture हम लोगों ने electronic configuration कैसे लिखी गई थी कुछ समझ लिया है, है ना. बाकी कैसे और डिटेल में जानेंगे तो आज लेक्चर हमारे पास बहुत सारा कुछ क्लियर होने वाली है. तो बेटे देखो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखा था ना मैंने 2p6, 2p4 कहीं लिखा था, कहीं पे 3s1 लिखा था, कहीं पे d आ रहे थे, d में 10 था, कहीं पे d8 आ रहे. तो ऐसे समझो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में जाता है, s सबशेल में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलेंगे? s ब्लॉक. यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें जा रहा है? एस सबशेल में जा रहा है. तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे. और ये जो दो हैं, ये वाले LINAKRBCSFR, इसको याद करने की ट्रिक है लीना की रब से फरियाद. सर हाइड्रोजन भी तो है, अभी मत समझो इसे, कंफ्यूज जाओगे, पहले ये समझो. और बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, है ना, अपने आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मर्जी, कुछ ही बना लेना यार, मैं तो बस जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ आप लोगों को. तो बेटा ये s ब्लॉक में जा रहा है इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट. इसमें भी जो फर्स्ट ग्रुप है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप या एल्कली ग्रुप. तो इनको क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स या एल्कली ग्रुप या एल्कली मेटल ग्रुप. और इनको क्या बोलते हैं? सेकेंड वाले ग्रुप को, फर्स्ट वाले को तो ये बोलेंगे, और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलाइन अर्थ मेटल. समझ में आता है इतना? तो ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए. तो ये वाले हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल और ये एल्कली मेटल. क्यों? क्योंकि ये जनरली पानी में रिएक्ट करने के बाद बेस फॉर्म करते हैं, और ये अर्थ पे मिलते हैं और बेस बनाते हैं, तो अर्थ पे मिलते हैं, इसलिए एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए इसको नाम देते हैं. अब इनकी जो भी कॉन्फिगरेशन आएगी बेटा, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना किसमें आएगा बेटा? एस में. सर कोई सबूत है? देखो सपोज कीजिए मैं पोटेशियम को लिखता हूं, तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 4s1 आएगी. क्योंकि पोटेशियम वाले में 19 होता है, तो देखो बेटा 2, 4, 10, 12, 18 और 1 19 यानी कि पोटेशियम का हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन. कहां पे जा रहा है? अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है क्या, कि सर इससे पीछे वाला नोबल गैस देखो और उसके आगे जो पीरियड आता है उसके आगे लिख दो. जैसे कि देखो बेटा, ये इससे पहले वाला नोबल गैस आएगा आयरन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, पोटेशियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड पोटेशियम कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज आर्गन और उसके आगे 4s1. दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है. बट ये मत लेना कि पोटेशियम के आगे क्रिप्टन लिख दो और उसके आगे 4s1 लिख दो उसके साथ वाला. नहीं, क्रिप्टन के आगे यानी कि KR के आगे अगर आप 4s1 लिख दोगे, पहली बात तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना. तो KR के आगे 4s1 नहीं, KR के आगे 5s1 आएगा जो कि रुबेडियम को बताएगा उससे अगले वाले. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? एस में. तो इनके रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा? यहां पे कोई भी नोबल गैस, यहां पे कोई भी नोबल गैस, है ना, नोबल गैस आपको बता दी ग्रुप 18 वाली, और उसके बाद NS1 से 2 1 भी S, N मतलब कुछ भी सकता है. देखो मैंने N की वैल्यू 1 से 7 तक कुछ भी आ सकती है, तो N की वैल्यू क्या आ गई, सपोज करिए इसकी 6 आ गई, और यहाँ पे सीजियम लिखा तो NS1 हो जाएगी यानी कि 6S1 हो जाएगी, और यहाँ पे मैंने बेरियम लिखा तो क्या हो जाएगी? 6S2 यानी कि 1 या 2 में से कोई सा भी आ सकता है. तो हमारे पास S ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है. समझ में आता है? दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना बेटा, ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है. पढ़ा होगा ना क्लास 10th में कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना. तो ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होने के नाते ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं. इसी वजह से मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. उड़ गया मेरा शेर, ये कोई नहीं, ये शेर तो होता ही रहता है. खैर आगे चलते हैं बेटा, और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं. तो ये देखो, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शन है. क्यों?
बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन ना ये एस ब्लॉक है, मत समझना, ये पीरियड के टॉप पर है, टॉप पर। अच्छा सर, आपने जब हमें कल बताया था तो आपने बताया था कि हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, और आप वही बता रहे हो ऐसे एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक पर जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे पास एस ब्लॉक में आएंगे, इस हिसाब से हीलियम को तो एस ब्लॉक में आना चाहिए था, आपने वहां पे दिखा रखा है, या तो ये गलत है या आप गलत हो। नहीं बेटा, ना मैं गलत हूं ना ये गलत है, एक्सेप्शन नामक चीज से आपको अब हर बार रूबरू होना पड़ेगा। एक्सेप्शन बेटा, हीलियम जब भी अपने एस के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन ले आता है तो ये फुलफिल्ड हो जाता है, और जितने भी हमारे पास नोबल गैस है ना बेटा, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जितने चाहिए उतने हैं। इसकी वजह से ये किसी से ना रिएक्ट करते आसानी से, ना कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाते, ना कोई प्रॉपर्टी का कहता है हमें ऐसे ही रहने दो। ये अगर यहाँ पे होता तो इलेक्ट्रॉन लूज करना देना इसी टेंडेंसी शो करनी पड़ती, लेकिन हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में बंदा वहीं बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाती है, इसलिए हम लोग उसे सेपरेटली नोबल गैस में रखते हैं। अरे सर हाइड्रोजन की कहानी है, हमने मान लिया, चलो हीलियम की कहानी आपने समझा दी, मान ली थी, हाइड्रोजन की कहानी है बेटा, हाइड्रोजन की भी कहानी है। हाइड्रोजन साहब जब आए तब हम लोगों ने सोचा कि वो ग्रुप 1 में रख दें, लेकिन इस बात से ग्रुप 17 नाराज हो गया। मतलब सर 1 से 17 कैसे नाराज हो गया, इस बात से क्या मतलब है? 17 बेटा यहाँ पर है, ये सभी एलिमेंट्स अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना ग्रुप 17 का मतलब होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, कि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बेटा कंप्लीट करने के लिए। तो होता क्या है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, 7 तो एक ही तो चाहिए अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, क्योंकि इसके बाद तो ये सब नोबल गैस में पहुंच जाएंगे। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने, तो इतना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा ना। तो ऐसे ही हाइड्रोजन ने कहा, भाई मैं तुम्हारे पास क्यों रहूं, मैं तो इन ग्रुप में रहकर यहां पे बैठ जाता हूं और एक इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मैं हीलियम वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लूंगा, मैं भी नोबल गैस की तरह बन सकता हूं। तो इस लड़ाई के चलते हम लोगों ने हाइड्रोजन से कहा, भैया नाराज मत हो, ना आप ग्रुप 1 में हो ना आप ग्रुप 17 में हो, आप तो सर्वप्रिय हो, आपको हमने पूरे पीरियोडिक एलिमेंट के टॉप पर रख दिया। समझ में आपकी इतनी बात, एस ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिर कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, किसकी बात करते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पी ब्लॉक में, है ना, यानी कि पी सबसे में जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाने का मतलब है कि हमारे पास एस खत्म, अब पी आ गया, है ना। तो ये तो एस होते हैं, ये बीच के 10 छोड़ दीजिए, ये बीच के 3 से लेकर 12 ग्रुप तक छोड़ दो, उसके बाद ये 13 ग्रुप है, वहां से लेकर 18 तक, यानी कि ये 6 ग्रुप, ये वाले, ये हमारे पास कौन से रहते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से रहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th क्लास के सिलेबस में एस और पी है, इसलिए हम लोग इसे याद करेंगे। तो बेटा इनकी ट्री बता देता हूं पी ब्लॉक के लिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। 14th ग्रुप के लिए होता है काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम टेन लेड। ये आता है न्यूज़पेपर आज सब बिका, सब बिक गया। तो 15th ग्रुप में क्या आती है, नाइट्रोजन फैमिली, तो इसे बोलते हैं न्यूज़पेपर आज सब बिका। 16th ग्रुप में आती है ऑक्सीजन फैमिली, जो ये ऊपर वाला एलिमेंट है इनको इनकी फैमिली के नाम से भी जाना जाती है, ठीक है ना। तो यहां तक जैसे इसे बोलेंगे बोरॉन फैमिली से बोलेंगे, कार्बन फैमिली से बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली से बोलेंगे और ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली का निमोनिक से बेटा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और 17th ग्रुप में है फिर कल बार आई अंडी, शीशे तोड़ दिया होगा ना अंडी का, क्रिकेट खेल के अंडी मारा, फिर कल बार आई अंडी, है ना। और 18th ग्रुप में निमोनिक से हीना नीना और करीना जीनियस रहेंगी, करीना कपूर तो जीनियस एक्टर है, तो सब हीना नीना भी थे उनके साथ, तो तुम्हें पता नहीं पड़ा, और करीना जीनियस रहेंगी।
तो ये आपको याद करने की ट्रिक है, ऊपर से नीचे है ना, तो ये आप लोग याद कर लेना। तो बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आते हैं हमारे पास 13 से लेकर 18 एलिमेंट तक आते हैं, 18 ग्रुप तक के आते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 यानी कि S के तो फुलफिल रहेंगे और NP1 से लेकर 6 कुछ भी आ सकता है, NS2 NP1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। जैसे कि मैं कहूं मेरे को इस वाले की बतानी है, इस वाले की बतानी है, तो बेटा इससे पिछले का नोबल गैस 10 है, मतलब इससे पिछले का नोबल गैस 10, तो यहां पर लिख दीजिए नोबल गैस नियॉन। उसके बाद NS2 ये कौन से में है, इसके ग्रुप देख लो, थर्ड पीरियड में, यानी कि 3S2 नियॉन, 3S2 और NP मतलब थर्ड पीरियड P। अब ये 1 से लेकर 6 तक कहीं पे भी आ सकते हैं, हमें गिनना कैसे होता है ऐसे गिन लो, P में कितने 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, हमें किससे निकालना था इसका, तो 1 2 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, NES2 NP3। सर ये तो आसान था इसका बताना, ये भी तो पी ब्लॉक में है इस हिसाब से। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये देखो ये इससे पहले का नोबल गैस देख लो, XE ठीक है, XE 54 हो गया। हमें कौन से का निकालना है, इसका निकालना है बेटा। अब यहाँ पे निकालने के लिए आपको बताना चाहिए कि आप डी ब्लॉक को ही पार करके जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक डी भी आ जाता है ना, इससे नीचे तो डी आ जाएंगे, यहाँ पे तो डी था नहीं, यहाँ पे जाओगे डी तो पार करने पड़ेंगे, तो इससे नीचे डी भी आएगा। लेकिन जब D लिखेंगे तो याद रखना कि N-1D होगा, D में क्या आएगा N-1। देखो जैसे कि जीनॉन आगे 54 तक, उसके आगे ये कौन से में 6 पीरियड में है वाला एलिमेंट, तो ठीक है तो 6S2। अब ND का मतलब हो जाएगा 5D10, यानी कि ND पूरे लिखेंगे हम, है ना। और इसके आगे हमारे पास ये कौन सा था ना, 1 2 3 4, तो 4 में आ जाएगा 6P4। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें, श्योर। अब देखो बेटा 6S2 5D10 64 हो गया। अब एक और चीज समझा दो सर, एक और समझा दो सर, एक और समझा दो, समझा दो SN का। हाँ तो देखो बेटा SN से पहले जो आता है ये क्या है, क्रिप्टन, तो क्रिप्टन लिख दो नोबल गैस के लिए। उसके बाद देखो SN कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा, 5th पीरियड में, 5S2 N-1D। अगर इतना हम लोग डी में पहुंचे N-1, तो 5 है तो डी में क्या आएगा 4D10, और कहां पहुंचे थे हम लोग SN के लिए ना, तो कितना आ जाएगा 1 2 1 2, है ना। हाँ सर, तो इसका आ जाएगा 5T2। तो SN का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, समझ में आ गया। तो ये SN का था, ये किसका था हमारे पास, जीनॉन 54 60, ऐसे भी याद रख सकते हो, 54 तक यहाँ पे आ गया, 56 और 10 76 और पी 80। अब देखो 80 है के, अब मैं 80 पे गया, 80 पे गया, 80 पे गया, था जी कुछ गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी ये देखो बेटा, NXE मैं पहले XE पे गया तो मेरा 54 था, अब मैंने किसका लिखा था, फोल्डर भी लिखा था ना, 84 का लिखा था ना बेटा। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि F ब्लॉक भी आ जाते हैं यहाँ पे, तो F ब्लॉक के एलिमेंट करने पड़ते हैं, तो F ब्लॉक के आपसे पूछे ही जाएंगे, फिर P ब्लॉक के हैं तो इसको काउंट करोगे ना, तो F ब्लॉक भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो N-2FP टर्म्स में लिखे जाते हैं, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। जब आप थोड़ा हाई लेवल तैयारी करेंगे तो अपने कमेंट से चला देना, मैं उसकी भी करा दूंगा, अभी तो बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास P4 लिख दिया आपने, इसका मतलब समझ गया कि भैया P ब्लॉक में 4th एलिमेंट पे आ गया, और 6th पीरियड में 1 2 3 4 आप इसकी बात कर रहे हो, मैं समझ गया। F में तो यहाँ पे 1 से लेकर 14 तक आ जाएगा, देखो 54 56 80 84 54 56 66 और ये 70। अब मेरे को 84 तक लिखना था ना, तो कुछ भी नहीं है करना है, तो यार कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, थोड़ा सा इसके लिए दूर रखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऐसे 4F, D के लिए N-1 रखते हैं और F के लिए N-2, तो 4F 14 हो जाएगा। अब गिन लो, अब पूरा सही आ जाएगा, अब इसमें भी ऐसे ही आएगा, जैसे क्रिप्टन का लिखा था क्रिप्टन 4S2, देखो 36 38 48 और 50, अब मैं 50 पहुंचूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कहीं SN पे, क्यों ये बिल्कुल सही आया सर, क्यों सही आया, क्योंकि यहाँ पे बेटा F ब्लॉक की एंट्री ही हुई है ना, F ब्लॉक की एंट्री तो सिर्फ यहाँ पर हुई है, लेकिन अगर मैं इसके लिखता हूँ मॉस्कोबियम की 150 की तो दिक्कत आ जाएगी मेरे को, अब क्या मेरे को फिर से F में भरना पड़ेगा, सर लिख के दिखा दो, ठीक है अब 150 का हो गया,
115 से पहले का ये देखो क्या है रेडॉन, तो 86 पर लिख दो यानी कि रेडॉन आयरन। अब मॉस्कोवियम कौन से पीरियड में है, सेवंथ में, तो ठीक है आयरन अंदर आ गया 7s2। पी में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 1 2 3 7p3। इससे पहले का डी में क्या आएगा सर 6d10। और एफ क्या आएगा n-2, डी में तो n-1 करते हैं तो 4f14। अब करके देखो भैया आयरन होता है 86, 88, 108, 122 और ये 125, सॉरी 100, क्या बोल रहे सर जी आप भी सत्ता कर रहे हो, 98 हो गया भाई, 98, 112 और 115, 115 तो पहुंचे, 125 तो है नहीं, 118 तक है, क्या कुछ में गड़बड़ी हो गई यार माफ कर देना, 115 ऐसे लिख सकते हैं। ये पी ब्लॉक को बताने का तरीका, पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप। 18th ग्रुप को हम लोग कहते हैं नोबल गैस, 18th ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग नोबल गैस। अरे सर जी कहां कहां से जा रहे हैं यहाँ, 18th ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैस। 17th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स, क्या बोलते हैं बेटा हेलोजन्स, क्योंकि ये समंदर में पाए जाते हैं। 16th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं चेल्कोजन्स, चेल्कोजन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, ओर तो पता है ना मिनरल ओर। हाँ 15th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं निकोजन्स, ENICOGENS निकोजन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सफोकेशन क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट सफोकेशन। 15th ग्रुप ये है, 16th ग्रुप ये है, 17th ग्रुप ये है, 18th ग्रुप ये है, फैमिली के नाम से भी जानते हैं हम लोग इन्हें, है ना। अब देखो टुगेदर विद एस ब्लॉक P ब्लॉक आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि S और P दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। समझ में आया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेन एलिमेंट्स माने जाते हैं ऐसे ही समझ लो, पर S और P को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इतनी बातें समझ में आती है बेटा पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की पूछेगा लिख दोगे, पर उससे पहले जादुई नंबर याद कर लेना, एक और ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत ट्रिक है यार अपने पास, टेंशन ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसमें हम लोग डी और एफ के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।